न्यूमेरिकल नंबर 1.8। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि आप एक फार्मूला डिड्यूस करें। जब भी कोई फार्मूला आपने फाइंड आउट करना हो, फार्मूला निकालना हो आपने, तो आपने इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है मेक इक्वेशन। जो आपका डाटा गिवन होता है उससे आप एक इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन कैसे बनेगी? आपके आपका जो गिवन डाटा होता है उसमें जो सबसे पहले नंबर पे वेरिएबल आता है उसको आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो पहला वेरिएबल है वी, वो मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ। फिर आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना है और बाकी जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको आपने तरतीब से लिख देना है। पहला वेरिएबल है डेंसिटी, दूसरा वेरिएबल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लिखने के बाद आपने पहले वेरिएबल के ऊपर पावर लिख देनी है ए और दूसरे के ऊपर पावर लिख देनी है बी, ठीक है। क्या हम इसको इक्वेशन कह सकते हैं? नहीं, इसको इक्वेशन तब कहेंगे जहां इक्वल, जब यहां पे इक्वल का साइन होगा। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सैंपल हटा के इक्वेशन का साइन लगाते हैं तो यहां पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। तो इधर मैं लफ्ज़ कांस्टेंट लिख देता हूं। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, मेक इक्वेशन, इक्वेशन हमने बना ली, ये है हमारी इक्वेशन, इसको मैं वन का नाम दे देता हूं। दूसरा स्टेप है राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों की डायमेंशन लिखें। विलास्टी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, उसको वैसे लिखेंगे। जो डेंसिटी है, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है ये फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, ये हो जाएगा एम एल माइनस थ्री, ठीक हो गया। तो ये है डेंसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस थ्री। दूसरे नंबर पे है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन, या इसका फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। और जो स्ट्रेन है इसका फार्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल, क्लियर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट मीटर, इस लेंथ का यूनिट भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट जो यूनिट बच गया है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट से भी डायमेंशन लिखी जा सकती है, फार्मूले से भी डायमेंशन लिखी जा सकती है। तो अगर हम इस यूनिट से डायमेंशन लिखें तो न्यूटन यूनिट है फोर्स का, तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू ओवर। मीटर यूनिट है लेंथ का और लेंथ की डायमेंशन होती है एल, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो एल का भी स्क्वायर होगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो नीचे एल है ये ऊपर जाके एल माइनस वन हो जाएगा। तो हमारे पास जो ई की डायमेंशन आ जाएगी वो होगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया ई की डायमेंशन फाइंड करने का, वो है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दूसरा स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा स्टेप है कंपेयर डायमेंशंस, ठीक है। दोनों साइडों की डायमेंशन को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम एम को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ एम। एम की डायमेंशन इधर क्या है? इधर एम नहीं है तो एम जीरो लिख देते हैं। जिसकी डायमेंशन ना दी गई हो उसकी पावर आप जीरो लिख सकते हैं। इधर अच्छा, ये डेंसिटी के ऊपर ए था, यहाँ ए लिख दें। इधर इलास्टिसिटी के मॉडुलस के ऊपर बी थी पावर, तो यहाँ आप बी लिख सकते हैं। एम की पावर वन है, वन इंटू ए ए। इधर एम की पावर भी वन है, वन इंटू बी बी, तो दोनों पावरों को आप ऐड कर दें, ठीक हो गया। एम को कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ एम एल एंड टी, इस तरह एम को हमने कंपेयर कर लिया। अब हम एल को कंपेयर करते हैं। इधर एल की डायमेंशन जो है, एल की पावर वन है तो वन लिख दें, और इधर जो है एल की पावर माइनस थ्री है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय ए माइनस थ्री ए।
माइनस वन मल्टीप्लाई बाई बी माइनस बी। एल की डायमेंशन को हमने कंपेयर कर लिया, अब हमने टी की डायमेंशन को कंपेयर करना है। इधर टी है माइनस वन और इधर जो टी है वो है माइनस टू, यहां पे टी नहीं है, माइनस टू इंटू बी माइनस टू बी माइनस टू बी। जो तीसरा स्टेप था कंपेयर डायमेंशन।